प्रोफेसर समीम अहमद साहब भी आ गए हैं। सर आपका भी स्वागत। जैसा कि बात हो थैंक रही है पद्म पुरस्कारों को लेकर के, नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम को लेकर के, तो अभी 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, अब तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पसमांदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की, दूसरी तरफ नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। क्या नए सियासी गणित को बैठाने की कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि मोदी जी खास तौर से और बीजेपी बहुत समझदारी से चलते हैं, और जैसा कि अभी मेरे साथी ने आपके साथ पार्टिसिपेंट ने कहा कि ये दूसरे लोगों अपना तो कुछ है नहीं। अब आइए देखिए उनके ऊपर, मुलायम सिंह जी के। मुलायम सिंह जी नो डाउट बहुत ही सिंपल लीडर थे, हर तरह के लोगों से वो अपना कांटेक्ट में रहते थे, मोहब्बत प्यार करते थे, और उनकी पॉलिटिक्स को सब नहीं समझ पाए। कल्याण सिंह जी जो बीजेपी के बहुत ही सख्त एक वर्कर के रूप में रह रहे थे, जिन्होंने मस्जिद के, बाबरी मस्जिद के, उसमें जिनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी रही और जिम्मेदारी रही, और जिन्होंने बाद में तक भी कभी ये नहीं कहा कि कोई मुझसे गलती की, उन्होंने कहा मैंने जो किया सोच समझ के किया, मैंने बहुत अच्छा किया। तो उन्हीं उसी कल्याण सिंह को 2 बार बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा, और मुलायम सिंह जी उन्हें अपने साथ ले आए, ये सबके सामने है। तो मीनिंग ये भाई कि मुलायम सिंह जी में ये खूबी थी कि वो हर तरह के लोगों को साथ में रखते थे, और बीजेपी से भी उनकी अंदरूनी, मायावती जैसे अब है वो बहुत हद तक एक्सपोज हो गई, वो एक्सपोज नहीं हुए। उन्होंने 2019 का जो लास्ट सीटिंग थी पार्लियामेंट में, आपको याद होगा, ये लोग कोट भी कर रहे हैं, कि खड़े हुए और उन्होंने कहा, मोदी जी के गले मिले और तो कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी वापस आए, और उसी चीज को उन्होंने पकड़ लिया और खूब कैश कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई ये क्या, वो तो मेरे सबसे खास आदमी थे, मेरे लिए तो प्रार्थना की है, और ये सच्चाई है। रहा ये दूसरी चीज, मैंने आज लिखा भी है कि ये मोदी जी ने समाजवादी परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा डाका मारा है, डाका इन अ सेंस कि इस पार्टी में बीएसपी तो यूपी में ऑलमोस्ट खत्म है, और यूपी में, यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है 2024 के लिए। मैं मुझे ये कहने में कुछ नहीं, जो मुलायम सिंह में खूबी आती, जिस तरह से वो हर तरह के लोगों को जोड़ते गए और अपना काम आगे बढ़ते गए, वो चीज अखिलेश में नहीं है। अखिलेश 2022 में, अखिलेश को आपको ताज्जुब होगा, जो आपके पास डेटा है, मुसलमानों ने पहली दफे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि मोर देन 90% लोगों ने वोट दिया, और तब भी बुरी तरह से हारे हैं 2019 में और 22 में दोनों में। तो इससे अंदाजा हो गया। और वैसे भी चूंकि जिस तरह से वो जमीन से उठ करके आए थे, अखिलेश ने तो वो काम नहीं किया, अखिलेश को तो बनी बनाई मिल गई। 2012 में जो इलेक्शन हुआ था वो तो मुलायम सिंह के नाम पे हुआ था, ना कि अखिलेश के नाम पर। लेकिन एक बेटे का प्यार होता है, सभी पार्टीज में कर रहे हैं, सभी लीडर करते हैं, आपके चाहे जितने भी बड़े बड़े लीडर, सबने अपनी औलादों को आगे बढ़ाया, तो उन लोग कोई गलत नहीं किया। लेकिन एक होता है उसमें सलाहियत, चीफ मिनिस्टर बन गए, गलत फहमी नहीं ये हो गई कि मैं अपने में बहुत बड़ा लीडर हूं, ऐसा नहीं था। जब तक मुलायम सिंह जिंदा रहे तो वो फिर भी बीच बीच में इंटरवीन करते थे, फैमिली के मामला हो या दूसरी पार्टी से मामला हो, वो उसे घर बैठे सुलझा लेते थे। अब वो रहे नहीं, तो अब ये बीजेपी का अटैक है समाजवादी को खत्म करने का। उन्होंने उनका, जैसे अभी भाई ने कहा था कि अपना कोई नहीं है लीडर, उनपे सच में ये बात सही है कि वो दूसरे के लिए, अपनों को तो है ही, जो थोड़े बहुत दूसरों का अडॉप्ट करके उन्हें जीरो कर रहे हैं, इनका वो अटैक है। जैसे भगत सिंह जी, वो तो लेफ्टिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस, वो तो बहुत बड़े लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी थे, उनका बीजेपी या आरएसएस से लेना देना क्या था, उन्हें भी अडॉप्ट कर लिया। आपके पटेल जी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने तो बैन तक करी इन्हें, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि पटेल जी हमारे हैं, नेहरू जी आपके हैं। तो वो उसी लाइन में ये है कि ये मोहब्बत या प्यार या उनके काम पे नहीं दिया गया, ये जो दिया गया है, ये जो समाजवादी के खुश हो रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा 2024 के इलेक्शन में शायद ये पॉलिटिकल मैच से गायब ना हो जाए, ये जो खुश नाच रहे हैं इस वक्त कि साहब हमारे लीडर को ऑनर किया गया। लीडर को नहीं ऑनर किया गया, बल्कि आपको जीरो किया गया है।
आपके पास बचा ही कुछ नहीं है, वही एक आदमी था जिसे आप प्रोजेक्ट कर सकते थे, उसे अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने, अब आप पे बचा कौन है? आपकी मजबूरी है शिवपाल सिंह को जिस तरह से 2-3 साल तक आप सब ने मिलकर के जलील किया है, ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ। और फाइनली ये जो आपकी डिंपल जी इतनी भारी उन्हें जीत मिली है वो बिकॉज ऑफ शिवपाल, ये पूरा मीडिया भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वो आया उसने आपको बचाया। अब आइए दूसरी तरफ, मुसलमान को तो इस हद तक बेवकूफ बनाया कि मुल्ला मुलायम सिंह लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, वो उनकी एक पॉलिटिक्स थी और उसमें वो कामयाब रहे। और ये बात सही है कि उनका जो रवैया था, उनके पास अगर बैठी है या मिली है, मैं मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, लगता था कि ये भाई हैं, अपने को बेहद मोहब्बत करते थे, वो उनका एक तरीकेकार था और बेहद अच्छा था, उसी की वजह से वो आगे बढ़े। वो चीज आगे नहीं है, अगर थोड़ी बहुत है तो उसमें है। अब आइए बीजेपी के ऊपर, उन्होंने जो आपने वोट बैंक 85-80% बनाया वो किस बेसिस पे बनाया? वो तो एक मुस्लिम हेटेड से बनाया है ना, वही एक हिंदू को ये बता दिया कि 15% से मुल्क को खतरा है और कौम को खतरा है, ये तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि 85% को 15% की इतनी बड़ी दहशत क्रिएट कर दे कि उन्हें एक जगह यूनाइट कर लिया, और आप 14 से अब तक आपके वोट बढ़ते आ रहे। तो जहां तक मुसलमान है, मुसलमान ये तो समझ गया है कि भाई ना तो आप किसी को पावर में ला सकते हैं, ना आप किसी को हरा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत पीछे रहे। लेकिन यह गलती मुसलमान कर रहा था जो शायद अब नहीं कर रहा है कि अगवानी में ये रहता था इसे आगे कर देते, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी हो, कोई भी, कि ये अब है करते थे बीजेपी को, पिटाई इनकी होती थी, कुर्सी पे वो बैठते थे। तो मेरा मुसलमान अब वो चीजों को काफी हद तक समझ गया है, भाई आपको सीएम या पीएम बनना, आप जंग करें। हाँ, हमारा तो रोल ये होगा कि जो अच्छा आदमी है इररेस्पेक्ट ऑफ पार्टी, क्यों कि पार्टी जो होती थी वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती थी, आज किसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, तो हमारे लिए तो सब बराबर होने चाहिए। जो आदमी पॉलिटिक्स में खुद नहीं बेनिफिशियरी उसका, उसका हिस्सेदारी करके लूट नहीं कर रहा है, तो उसे इससे क्या मतलब कौन सी पार्टी, उसे चाहिए अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को वोट दे, चाहे वो बीजेपी ही का क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी सब सब बुरे नहीं है उसमें भी, माफ कीजिए। हाँ, ये होता है एक में मेजोरिटी अच्छी होती है, एक में मेजोरिटी बुरी होती है, मेजोरिटी बुरी नहीं, वो सिर्फ जहां तक मुसलमान के लिए उनका एटीट्यूड है, कुछ लोगों का वो आरएसएस की एक पॉलिसी है कि वो हमें पता नहीं क्यों किस वजह से हर जगह टारगेट करने को तैयार रहती है। भाई हमसे क्या खतरा है, मुसलमान 25-30 करोड़ है इंडिया में, क्या ये कुछ बिगाड़ लेंगे? आप है 80 करोड़, 100 करोड़ है, तो ये कहना कि मुसलमान कुछ कर देगा, मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, मुसलमान तो सिर्फ शांति से, उनके साथ इनजस्टिस ना होनी चाहिए, इतनी ही मांग करता है, इससे ज्यादा उसकी कोई बड़ी मांग नहीं है। तो अब जो इन्होंने पसमांडा का गेम खेला, इससे एक चीज और लग रही है कि शायद बीजेपी को कुछ खतरा लग रहा है कि जो उसका वोट बैंक था, जिनकी वजह से वो वोट बैंक बनाया, अब वो उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहा है। पसमांदा जो है अमंग मुस्लिम्स 80-85% है, तो जो टारगेट हुए हैं, चाहे वो लिंचिंग में हुआ, चाहे वो अखलाक का केस हुआ, चाहे वो कहीं और हुआ, वो मेजोरिटी ऑफ देम आर पसमांदा, तो आज उस पसमांदा से मोहब्बत दिखाई जा रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि देखिए मुसलमान समझता है, अगर ये वाकई दिल से वो करे तो हमारी बीजेपी से लड़ाई क्या है, हम क्यों लड़े बीजेपी से, कांग्रेस से क्यों मोहब्बत करें? बस ठीक है, लोगों को ये ठीक है होता है अभी, कि अभी, हम, अभी, हम लौट के, अभी हम लौट के मुस्लिम राजनीति पर आते हैं। एक सेकंड। तो मुसलमान अब नासमझ नहीं रह गया है, और मुसलमान अब किसी का ब्लाइंड फॉलोअर शायद नहीं रहेगा, और जहां तक यूनाइट होने का, ना तो यूनाइट होगा, उसका वोट तो बटेगा, हमेशा बटा है, एक बार मिल चुका भी है समाजवादी को 90% अब वोट उधर नहीं जाने वाला। और बीजेपी को यह खतरा है कि कहीं अपना जो वोट है मेजोरिटी वाला जो अब तक किया था उसमें भगदड़ मच गई है, इसलिए उन्होंने अब हाथ डाला है पसमांदा के नाम से मुसलमान वोट पर, उसमें बहुत कामयाबी कुछ तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि जमीन पर जब तक काम नहीं होगा तब तक लोग कैसे साथ आ जाएंगे, बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर समीम सर। अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, अब भाजपा के इस कदम को, जैसा हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अभी हाईजैक की बात हुई, आपने भी कहा, अभिषेक जी कह रहे हैं हाईजैक नहीं है, खैर ठीक है, माना जा सकता है कि चलिए हाईजैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें अपने अपने हिसाब से इसको देखा भी जा सकता है, पर सवाल ये उठता है कि
जिस तरीके से अभी तक हिंदू और मुस्लिम, जैसा कि एसएसपी सर भी कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को ही लगातार भारतीय जनता पार्टी आधार बनाए हुए और अभी तक उसी मुद्दे पर चल रही है। त्रिपुरा इलेक्शन में, त्रिपुरा में जा जी करके गृह मंत्री जो है वो राम मंदिर का डेट बता के आते हैं, राहुल गांधी को टिकट कटवाने के लिए कहते हैं। तो कब तक आखिर ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति चलेगी, या फिर अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, या जो अभी जिस बात का दावा अभिषेक कर रहे थे कि सीटों का जो बढ़ोतरी, जो सीटों की हुई 17 के मुकाबले 22 में, वोट परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये राजनीति की गई है कि शायद उत्तर प्रदेश के लोगों में अब जागरूकता ज्यादा हो गई है और ये केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चल पाएगी, इसलिए जातियों के अंदर सेंधमारी की जाए और उसके शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले की है नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। जी बोलूं था मैं। जी, देखिए, एक तो अभी हमारे दोस्त का जो क्लेम था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और सीट्स बढ़ी है, इस बारे में मैं एक तो ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने क्लेम है कि सारी हर तरह की कम्युनिटी साथ हैं, वो तो हर के साथ हैं, बीजेपी में आपको अच्छे खासे मुसलमान मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि समाजवादी ये बताएं आपका वोट बैंक है कौन सा। आपका यादव जो है वो 8% है और 8% में कम से कम 3% बीजेपी के साथ है। क्या बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है कि यादव? क्या यादव आपके साथ है? नहीं है। अब आइए मुसलमान के ऊपर। मुसलमान ने किसी उम्मीद पे जितना वोट इस 22 में दे दिया, अब उतना वोट एक जगह, क्योंकि ये कभी एक जगह वैसे तो रहे ही नहीं, जितने होशियार आप हैं उतने होशियार ये भी हो गए, इन्हें भी अब अपना फायदा सोचना है, इन्हें किसी को कम्युनिटी से कोई ज्यादा बहुत मतलब नहीं। अब आइए मुलायम सिंह जी के ऊपर और अखिलेश जी को। नो डाउट यूपी में इस वक्त नंबर वन समाजवादी पार्टी है, बीजेपी के बाद अपोजिशन में। कांग्रेस का अभी वो ग्राउंड वर्क है नहीं है और बीएसपी एक्सपोज हो गई है मायावती जी। लेकिन एक साल बाकी है, ये ध्यान रखिए कि जो मुस्लिम वोट है आप इसे ये ना समझे कि इनकी मजबूरी है, जो अब तक ट्रीट किया गया कि जाएंगे कहाँ। मुसलमान को निकाल दीजिए तो आपका ये बता दीजिए एक्चुअल में वोट बैंक, जैसे मायावती का 10-15% के करीब वोट बैंक अपना है जो हमेशा हर हाल में उसके साथ रहता है। आपके साथ कौन सा वोट बैंक है सर? आपके साथ थे हम, और हम वही बात आती है कि मुलायम सिंह जी ने जो 1990 में किया, 1990 में किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए रुका, उस वक्त मुसलमानों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी और उनका तरीके कार भी अच्छा रहा। आज के जो लीडर हैं आपके, आपका एक मीडिया प्रभारी, अभी जो आपने एग्जाम्पल दी थी, गिरफ्तार होता है और आप डीजीपी पे चले जाते हैं। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का डीजीपी के गेट पे जाना जायज नहीं, उन्हें तो सीएम के गेट पे जाना चाहिए था। नंबर दो, बहुत बड़ा काम किया आपने। दूसरी तरफ आपके एक सीनियर लीडर, वो मेरे आइडियल नहीं, माफ कीजिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, आजम खां की जो मट्टी कुटी है कि आज तक आप सड़क पे गए, आप किसके घर पे धरना दी, आप पुलिस में गए, बिल्कुल नहीं गए। दूसरी तरफ आप एक और लीडर को लेकर आए जो कांग्रेस का एक नेशनल अपोजिशन पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, इमरान मसूद फ्रॉम सहारनपुर। उसके साथ उसके कुछ साथी भी आए जिनमें एक सिटिंग एमएलए था कांग्रेस का, उन्होंने आपको ज्वाइन किया ये सोच करके कि बीएसपी की समाजवादी की तरफ सब लोगों का रुझान है और शायद ये बीजेपी को टक्कर दे सके, वो साथ में आ गए। आपने उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया वो ये था कि ना तो उन्हें टिकट दिया, और जो उनका सिटिंग एमएलए जिसे ले गए उसे भी आपने ने टिकट दिया। आपकी एरोगेंस का हाल ये था। क्या हुआ आज? आज वो वापस चला गया बीएसपी के अंदर। नो डाउट वो भी कोई बहुत बड़े ईमानदार नहीं है और ना हम उनका बीएसपी में जाने को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वही तो आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं? वो क्यों चला गया उधर? आजम खां पड़े हुए हैं, आजम खां के जो भी हो रहा, ये मैं नहीं कहने को तैयार यहाँ कि जायज हो रहा है या नाजायज हो रहा, बहरहाल हो तो रहा है और इतना उन्होंने सफर कर लिया है और कर रहेंगे और करेंगे और भी। क्या उनके लिए कभी आप धरना पे बैठे? क्या आप सड़क पे आए? आप एक मीडिया प्रभारी के लिए डीजीपी के दफ्तर में जाते हैं, व्हाई व्हाई नॉट सीएम के गेट पे जाकर के आप बैठे?
तो देखिए मामला तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा नहीं, लोग बेवकूफ हो समझे, लोग सब समझते हैं, पब्लिक की कभी कभी मजबूरी होती है। क्यों, हमारे ही बीच में, हमारे ही कम्युनिटी के जो दलाल है, दलाली का काम करते हैं, पर्सन प्रमोशन करते हैं, उनका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी बेचारा गरीब है, अनजान है, उसे वो हाका देते हैं और एक तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो हो गया जो होना था 22 में, आगे आप भूल जाइए। अभी देखिए 2024 में, 2024 में क्या रहता है अगर सूझबूझ से आपने काम ना लिया। आपने क्या किया, 1-1.5-2 साल तक अपने चाचा को घुमाते रहे, और बाद में जब बुलाया कहेंगे एक सीट है आपके लिए, आपके बेटे के लिए भी नहीं, वो चले गए चुपचाप बेचारे। क्या बात है शिवपाल के साथ, यही हुआ ना। शिवपाल को तो आपने मजबूरन आप जाके उसके पैरों में पड़े हैं, और उसने पार्टी को आपके जिंदा कर दिया। मैं आपसे बता दूं उसमें दम है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। अब आइए दूसरी तरफ, एक केस नहीं, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था वो तो लोगों ने भुला दिया था, भुलाने की कोशिश की। आज जो जाट आपके साथ नहीं आ रहा, इवन उसके अजीत सिंह के साथ नहीं आ रहा, कब से हुआ ये, जब मुजफ्फरनगर राइट्स हुए, वहां रात को बुलडोजर थे, जनवरी की सर्दी थी, पूरे टेंट को बुलडोज किया गया, और दूसरी तरफ सफाई में नाच और गाना हो रहा था। ये चीजें ऐसा बात नहीं, कभी कभी पॉलिटिकल मजबूरी होती है, लोग समझते सब है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके आइए आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी की अभी बात की, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता बीजेपी में आए हैं, और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, 40-40 साल उन्होंने फायदा उठाया, मालूम वन फाइन मॉर्निंग दे बिकम बीजेपी मेंबर्स। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक्सट्रीम पर है दोनों, तो ये कैसे मुमकिन है। तो वो जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब कह रहे थे आइडियोलॉजी नहीं, आइडियोलॉजी अगर थोड़ी बहुत है, मैं आपसे बता दूं, वो लेफ्टिस्ट में है, वो मार्क्सिस्टों में है, सीपीआई में भी उतना कमिटमेंट नहीं रहा। सीपीआई भी जब कांग्रेस हुकूमत थी वो कांग्रेस का टूल थी, सीपीएम वाले अपने पैरों पर खड़े होते हैं और गरीब और उसके बारे में सोचते हैं, डाउन ट्रॉडन के बारे में सोचते हैं। तीसरी चीज, लोग मजबूरी होती है, हर आदमी में लड़ने की हिम्मत नहीं होती, वरना ये कौन नहीं जानता कि जितना हिंदू समाज, आई एम सॉरी सर टू एक्सेप्ट, मैंने ये नहीं कहा ना कह रहा हूं कि 100% या सब हिंदू बीजेपी में है, अगर होते फिर तो हम सर्वाइव ना कर पाते, हम तो खत्म हो चुके होते, हम महताज, हमें बचाने या सपोर्ट करने वाले भी आप ही हैं, लेकिन आपकी वही मजबूरी है, उस तरह से आप एग्रेसिव नहीं हो पाते। उन्होंने जब वो दहशत क्रिएट की 85% में, ये 15, आप सोचिए यहां तक तो आप कहते हैं पब्लिकली और हम कंट्राडिक्ट नहीं करते। पहले 22-23 में कहा जा रहा था ये रोकिए मुसलमानों को, वरना 2029 में ये मेजोरिटी में हो जाएंगे और हुकूमत बना लेंगे। अब वही बात 40 के लिए कही जा रही है, 2040 के, कंफ्यूज क्या ये मुमकिन हो है, थोड़ा सा आप सर, साइंटिफिक होइए कि मुसलमान मेजोरिटी हो जाएगा। मुसलमान तो 200 साल में भी मेजोरिटी नहीं होने वाला, 400 में भी नहीं होने वाला। तो ये प्रोपगंडा होता है, जो हम भी जानते हैं इस बात को कि ये एक इलेक्शन का मामला है, इलेक्शनरिंग है, लेकिन अगर ये सोचें कि लोग नहीं समझ रहे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपके यहाँ समाजवादी में वो लीडरशिप अब नहीं रही। एक और केस दे दूं मैं, आपके पास एक दलित लीडर आया चंद्रशेखर आजाद, जो मायावती के करप्शन के खिलाफ बोल रहा है और मायावती उसे सबसे ज्यादा हेट करती है, आपने साल भर तक तो कुछ आगे पीछे बैठाया, ठीक है जब सर। इलेक्शन अभिषेक के टिकट अभिषेक बढ़ने शुरू, एक अभिषेक सेकंड बाद, अभिषेक एक से मिनट, उसका ओनली जवाब हाफ लेने मिनट, दो आप। जी हाफ जी हाफ मिनट, जब आपने उसे बुलाया, टिकट देना शुरू कर दिया सबको, तब उसे बुलाया, 4 घंटे दरवाजे में बैठाया, अब अंदर बुला के कहा कि 2 टिकट दे सकता हूँ आपको, वो चला गया। अरे अगर वो 4% वोट भी लाता तो आपका भला हो जाता, हारने के लिए 4% वोट कट जाए, 2% कट जाए, हार जाएंगे, और जीतने के लिए आपको 38% चाहिए। तो आपको सूझबूझ लानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, हर कम्युनिटी को साथ लेना पड़ेगा, वक्ती तौर से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। थैंक यू वेरी मच सर।